कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव में रामचरण पटेल पुत्र बहादुर पटेल के घर में चोरों ने शुक्रवार की रात्रि पीछे से सेंध काट कर नकदी व जेवरात सहित लाखों का सामान उड़ा ले गए। भक्त भोगी को सुबह जानकारी हुई तो स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक रामचरण रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी हैं। रोज की भांति वे शाम को खाना पीना खाकर घर के आगे बने कमरे में सो गए। सुबह उठे तो देखा उनके घर के पीछे से सेंध कटी है, जिस पर अंदर कमरे में जाकर देखा तो पता चला कि कमरे में रखा बक्सा का ताला टूटा हुआ है और उसमें रखी 80,000 की नकदी, 3 जोड़ी चांदी की छागल, 2 सोने की लॉकेट चोर उड़ा ले गए। संदूक में रखे कपड़े आदि वहीं फेंक दिए, जिस पर भक्त भोगी ने चोरी की सूचना शहजादपुर चौकी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या हुआ आपके यहाँ? चोरी हुई। कैसे हुई है चोरी? सेम कार्ड। अच्छा, कब हुई है? रात। क्या क्या ले गए आपको? 3 कार, 3 जोड़ा छागा, 3 जोड़ा तकना, 1 लाकेट, 1 बेसर, 1 चैन पट्टी, 70,000, 1 16,000, 1 18,000, 1 75,000। लगभग कितने का हुआ है ना सो आपके यहाँ ले गए सामान? अब यह नहीं बता सकते कितनी देर भाई, रात में भाई।